शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये देख, यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे भी लगी। कुछ नहीं हुआ मेरे चाचा, हम ठीक हैं। तू चुप कर। यश, तुम डॉक्टर को कॉल क्यों नहीं कर रहे हो? हम इसका चेकअप कराना होगा पूरा। प्लीज जल्दी कॉल करो ना। यहाँ की हवा कुछ ठीक नहीं लग रही, कोई ना कोई बात तो जरूर है। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जरा सी चोट है। अच्छा रुक, कुछ नहीं हुआ है। अंजलि, संभाल। चलो तुम आराम से बैठो। अरे वो पैर में पहले वाली चोट लगी थी ना, बस वहीं थोड़ा सा दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। अंजलि तुम भी ना आओ, आराम से बैठ जा, बैठाओ इसे। यहाँ बैठ जा आराम से। अंजलि लेकिन तुम सीढ़ियों से गिरी कैसे? ओ, हमारा पैर साड़ी में उलझ गया था और हम गिर गए। लेकिन आप वो सब छोड़िए, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। बैठ, क्या करिए? पल्लू ने हमसे आगे चिपका कर कहा था ना कि सीने से चोट पहुंचाई है। हाँ? वो सही कह रही थी, उसके साथ बहुत गलत हुआ है यश जी। लेकिन बेटा तू तो कहना क्या चाहती है? लेकिन अंजलि मामा जी ने तो कहा था कि पल्लो को उसके घर वाले लेकर गए, है ना मामा जी? अंजलि तू कहाँ जा रही है? अंजलि हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, आपको सब समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए आप लोग। ये यही तो था वो वीडियो, हमने कई बार चलाकर देखा था। आंखों से वो वीडियो देखा था। मामा जी चुपचाप पल्लू को बाहर लेकर गए, वहां तीन आदमी खड़े थे, उन्होंने जल्दी से पल्लू को गाड़ी में रखा और वो उसे लेके चले गए। उनको उनको देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो पल्लू के घर वाले हैं। एक बार आप लोग मामा जी से पूछिए ना कि वो लोग कौन थे। करुणेश, अंजलि जो कह रही हो, अगर अंजलि कह रही है तो कोई ना कोई बात तो जरूर है। तूने जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो की है करुणेश। अगर तू मेरा भाई नहीं होता ना तो अभी के अभी तुझे पुलिस के हवाले कर देती। चिज्जी मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ना जाने किस वीडियो की बात कर रही है। सच मानो मैं सही कह रहा हूँ, पल्लू के घर वाले आकर उसे लेके गए थे। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, अंजलि कभी गलत नहीं हो सकती। अगर वो कह रही है कुछ गलत हुआ है तो हुआ है। तू अभी के अभी निकल यहां से, अपना बोरिया बिस्तरा समेट अपनी पत्नी को साथ ले और निकल जा यहां से। रुक जाइए।
किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं काकी, हमें तो बस पल्लू की चिंता है। गोपाल करे कि बस वो ठीक हो, और हमारे पास तो वो वीडियो भी नहीं है कि हम आप लोगों को सबूत के तौर पे कुछ दिखा पाते। अरे सबूत की जरूरत ही क्या है, तुमने वीडियो देखा है ना, और तुम कह रही हो तो इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जाने दें दोनों को, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं काकी, आप मामा जी मामी जी को घर से मत निकालिए। हम तो कुछ दिनों में यहां से चले ही जाएंगे, 30 दिन ही तो रह गए हैं। पता नहीं 30 दिन तक टिक भी पाएगी या नहीं। हो सकता है हमने वो वीडियो देखकर गलत अंदाजा लगा लिया हो, और फिर हमारी गलती की सजा मामा जी को मिले, ये तो ठीक नहीं होगा ना। वीडियो होता तो आप सब लोग देखकर समझ जाते कि हम सही कह रहे हैं या गलत। अभी आप मामा जी को कहीं मत भेजिए प्लीज काकी। आज बर्गर और आइसक्रीम दोनों खिलाऊंगी, 5 रुपए अलग से दूंगी, बस अपना मुंह बंद रखना। अब जब अंजलि ने कह दिया है कि उसे देखने समझने में गलती हुई थी, तो बस बात यही खत्म। जा करणेश अपने कमरे में जा। सच में ठीक है ना अंजलि? यश, मैं अंजलि को इसके कमरे में लेकर जाती हूँ, उसे दवा भी दे दूंगी और बर्फ से उसकी सिकाई भी कर दूंगी, इसे आराम मिलेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे पैर के बारे में पूछने आया था। कैसा है पैर तुम्हारा? अंजलि बैठ जाओ। नहीं नहीं, हम कहा ना अंजलि बैठ जाओ, जब कह रहा हूं कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ, तभी तो सुन लिया करो। पैर दिखाओ। अरे ठीक है पैर। अंजलि यशी, सूजन तो नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन ऑइंटमेंट लगा लोगी तो आराम मिलेगा। मैं जानता हूं अंजलि, कल रात अगर वीडियो में तुमने कुछ ना देखा होता तो तुम कभी कुछ ना कहते। बताओ मुझे क्या था उस वीडियो में। नहीं नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है यश जी, हमने कुछ नहीं देखा। गुनाह चाहे किसी ने भी किया हो अंजलि, लेकिन इस गुनाह को छुपाना गुनाह करने जैसा ही होता है। पल्लो इतनी बुरी हालत में हमारी शादी के मंडप तक पहुंचे थे, वो अस्पताल या डॉक्टर के पास ना जाकर सीधा हमारे पास आए। इसका मतलब कुछ तो है जो वो हमें बताना चाहते हैं। तुम्हारी चिंता एकदम सही, लेकिन तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं इस मामले के जड़ तक जाकर सच जरूर ढूंढूंगा। यश जी, हमने वो वीडियो गुलकंद के मोबाइल में देखा था, लेकिन जब हम गिरे उसी बीच वो वीडियो डिलीट हो गया। क्या था उस वीडियो? कुछ लोग पल्लू को बड़े अजीब तरीके से चुपचाप लेकर जा रहे थे और मामा जी खुद पल्लू को उन्हें सौंप रहे थे। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।